हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी इंग्लिश का तैयारी अभी तक कुछ नहीं किए हैं, फिर भी आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताने वाले हैं। ये तरीका आप सीख के बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अप्लाई करके आइएगा, आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को कापी लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, आप जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते हैं, चाहे एसे हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे आपसे जो बुक के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आपको नहीं पता है, फिर भी जो तरीका बताएंगे ये तरीका आप सीख के आसानी से उन सभी प्रश्नों का आंसर आप लिख के आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, देखिए, ये आपका जो इंग्लिश का पेपर रहेगा आपके दो पार्ट में बटे होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में क्या होते हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो वर्णात्मक प्रश्न आपके कहलाते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे वर्णात्मक जो प्रश्न होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको लिखने का तरीका आप सभी को पहले बताएंगे, फिर बाद में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे करना है उसको बाद में बताएंगे। तो पहले आपको सबसे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखा जाता है, आपको बिना पढ़े उसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, आपके पार्ट बी में जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो इसको पहले लिखने का आप तरीका सीख जाइए। बहुत सिंपल सा तरीका है, बस ये तरीका जानते रहेंगे आपको 100% पूरी गारंटी देते हैं कि आप पूरा नंबर आप आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आइएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपको गारंटी देते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में पास हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, आपके सामने पहले नंबर पे क्वेश्चन होगा, इस प्रकार से एक पैसेज देगा। ठीक है, और ये जो पैसेज रहता है आपको इस पे आधारित चार क्वेश्चन पूछता है और टोटल कितने नंबर के, 7 नंबर के होते हैं। इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले प्रश्न पैसेज मत पढ़िएगा, सीधे आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के इसमें इन शब्दों को खोजिए, फिर उसके बाद आंसर लिखिए। देखिए, लिखने का तरीका क्या होता है कि पार्ट बी है ना, तो पहले आप यहाँ पे स्वच्छ लिखिएगा पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 1 ए का देना है तो एक ले ए लिख लीजिएगा और यहाँ से आंसर लिखिएगा। फिर इसके बाद देखिए आप प्रश्न क्या है, प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कि होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, है ना। आपको मान लीजिए कि इसका हिंदी भी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करेंगे आप, इस शब्द को इस पैराग्राफ में खोजिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे दिया है। जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक जगह और स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिल जाएगा आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, पूरे यहाँ तक आप पूरे पैसेज को सेम टू सेम उतार दीजिएगा। देखिए, उतारना तो है लेकिन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए ये आपको बस पता होना चाहिए। देखिए, लिखने का तरीका क्या होगा कि जो यहाँ पे प्रश्न रहेगा आपका ना, तो स्टार्टिंग के एक शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं उसको आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखिए आप कहाँ से लिखेंगे, द कैंसिल लिखेंगे, पहले इसी लाइन को जो प्रश्न पूछेगा पहले इसी लाइन को यहाँ पर लिखना है, लिखिएगा द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, ठीक है, इतना लिख लिए रिप्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक बोले ना, पूरे लाइन को सेम टू सेम मतलब इसी तरह उतार दीजिएगा। ये प्रश्न से इतना पहले उतारिएगा, उतारने के बाद आपको बोले थे क्या कि वी इंटर, अब डॉट डॉट डॉट, मतलब पूरे जितना वाक्य आपको बताए हैं उस वाक्य को यहाँ पे एकदम सेम टू सेम उतार दीजिएगा। ठीक है, जितना लाइन में अटे अब उतने लाइन में इसको एकदम सेम टू सेम यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको सेम टू सेम उतार दीजिएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न, आपको 2 नंबर पूरा इस प्रश्न पे मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, बस आपको लिखने का तरीका बस पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे आपको अगला एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको कि एक क्वेश्चन जैसे ये है कि वाट इज मीन्ट बाई द अंडरलाइन पोर्शन। अब इस प्रश्न को जैसे लिखना रहेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, और जब भी क्वेश्चन नंबर डालिएगा जहाँ पे क्वेश्चन आपका समाप्त हो रहा है आंसर, उससे आपको 1-2 लाइन छोड़ के ही लिखना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है, बी है ना, बी।
अब यहाँ पे क्या है कि हाउ डिड ना, यहाँ पे व्हाट इज मीन्ट बाय अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन है इसका मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब जैसे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस कीजिएगा क्या कि यहाँ से आप उठाइएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से उठाइएगा, और देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था यहाँ तक नहीं, आपको पूरे एक वाक्य को यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, पूरे यहाँ तक सेम टू सेम इसे उतार दीजिएगा, अदम ना यहाँ पे जैसे समझा रहे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आपको सेम टू सेम उतार देना है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा आप, ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा पहले प्रश्न में पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन पोर्शन का मिंट बोल जाए, पहले यही लिखिएगा, ये आप लिखिए मिंट बाय अंडरलाइन पोर्शन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आंसर लिखिएगा ब्लैक पेन से, लिखने के बाद आप लिखिएगा जो पूछा रहेगा, मीन बाय द अंडर लाइन पोर्शन। अब ऐसा खींच लीजिएगा और जो ये लाइन बताएं कि यहाँ से आप क्या कीजिएगा, पूरा यहाँ तक आप पूरे लाइन को लिख लीजिएगा, तो सेम टू सेम इसी तरह जैसे बताएं तब उतार दीजिएगा। यह भी आपका दो नंबर का, पूरे दो नंबर इस पे मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। इसी तरह इन सभी प्रश्नों को आप कर लीजिएगा, जो शेष प्रश्न बच रहा है इसी तरह इन प्रश्नों को करना रहेगा। अब देखिए आपके सामने अब आगे क्वेश्चन होता है राइटिंग से संबंधित। अब देखिए राइटिंग से संबंधित जो रहता है आपका लेटर एक लिखने के लिए देता है, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए देता है, दोनों प्रश्नों में से एक आपको करना रहता है। आपको एप्लीकेशन लिखने का सबसे ज़बरदस्त तरीका बता रहे हैं, बस एक पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ याद रखिए, फिर आपका दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आ जाता है तो वही पैराग्राफ उतार के आप देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताते हैं कि आपको एप्लीकेशन नहीं याद है बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, जिससे आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दें। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर दो है ना, तो पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर दो कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन लिखना है तो ओ आर वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर ओ आर कर दीजिएगा, और यहाँ पर एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, इसलिए एप्लीकेशन वाला करेंगे तो एप्लीकेशन डाल दीजिएगा यहाँ कि एप्लीकेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ होता है, बस वो पैराग्राफ आपको याद रहे, और कोई भी दुनिया का आपका मिल जाए लिखने के लिए आप आसानी से लिख सकते हैं। पैराग्राफ याद रखिएगा, पहले यहाँ पर टू होता है, फिर कामा, प्रिंसिपल को लिखना रहेगा तो द प्रिंसिपल लिखिएगा यहाँ पे, और हेडमास्टर आपका दिया रहेगा तो हेडमास्टर, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह हेडमास्टर लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल कॉमा कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे कोई कॉलेज का नाम अपना लिख लीजिएगा शॉर्टकट में, तो GCIC, ठीक है, GCIC इंटर कॉलेज या कोई भी इंटर कॉलेज कर लीजिएगा कॉलेज, और डिस्ट्रिक्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हैं, चलिए यहाँ पर प्रयागराज डाल देते हैं, प्रयाग और राज, ठीक है, ये पैराग्राफ हुआ। फिर इसके बाद आपको देखिए क्या करना रहता है कि सब्जेक्ट लिखना रहता है, ये पैराग्राफ याद रखिए, कोई भी आ जाए आप लिख के चले आइएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको जिस पे ये पूछता है, देखिए आप लिखा है ना कि एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट वाटर टैंक इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलर, तो आपको किस पे एप्लीकेशन लिखना है कि एप्लीकेशन किस पे लिखना है कि यही पूरा लाइन उतार दीजिएगा। जैसे आपको नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलर, यही आपको क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर हो जाएगा, यही पूरा यहाँ से लेके जहाँ से समझा रहे हैं, देखिए एप्लीकेशन लिखिएगा एप्लीकेशन टू, अब यहाँ पे जो लाइन बताएं पूरा यहाँ रेगुलर तक लास्ट तक एकदम लिख दीजिएगा, रेगुलर ज लाइन में हटे रेगुलरली, ठीक है, ज लाइन में आपको हटाएं उतने लाइन में इसको आपको पूरा सेम टू सेम ये उतार दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद आप लिखिएगा सर, सर लिख दीजिएगा, सर लिखने के बाद यहाँ पे कामा दीजिएगा, फिर इसके बाद आप एक पैराग्राफ याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली काम आई बैक टू से डैट, ठीक
ठीक है, आई बैक टू से डेट हो गया। अब देखिए ये तो पैराग्राफ है, अब इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे। इसके आगे कुछ नहीं आपको करना है, बस करना क्या है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यहाँ पे जो पूछ रहा है इसे ही क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, बस एप्लीकेशन शब्द हटा के प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल के आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑफ योर कॉलेज कंप्लेन डेट टैंक इन स्कूल आर नॉट बींग क्लीन रेगुलर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ना प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखिएगा प्रिंसिपल, डेट के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं याद है तो जो जिसको याद रहेगा वो अच्छे से अपना लिखेगा, जिसको नहीं याद उसको ये बता रहे हैं ना, यहाँ पे लिखिएगा प्रिंसिपल, फिर इसके बाद ऑफ है ऑफ योर कॉलेज, कॉलेज इस लाइन को पूरा यहाँ तक उतार दीजिए, सेम टू सेम उतारिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सेम टू सेम रेगुलरली तक उतार दीजिए, रेगुलरली उतार लिए। फिर आप क्या करेंगे कि एक दो लाइन इसमें से जो आपका पैराग्राफ दिया रहेगा ना, यानी जो पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज में से कहीं से भी बीच में से एक लाइन आप और एक्स्ट्रा एक दो लाइन जोड़ दीजिएगा, जिससे आपका जो लगे कि बड़ा सा लिखा गया है। मान लीजिए यहीं से लिखना है तो वाइल द फ्रेंच हैड रेस्ट अलर्ट, अब तो यहाँ से मतलब उठा के यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप करने के बाद आप किसी भी पैराग्राफ जो पैसेज दिया रहेगा एक दो लाइन उठा के इसमें से लिख दीजिएगा। लिखने के बाद जैसे आपको ये एप्लीकेशन बहुत बड़ा लगेगा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में बस आपको याद रखना है कि लास्ट में क्या लिखना है कि आई डियर फोर, लिखिएगा आई डियर फोर। ठीक है, यहाँ पर लिखे आई डियर फोर, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू प्रूफ्ड द वाटर टैंक क्लीन, वाटर टैंक क्लीन, टैंक क्लीन, यहाँ पे लिख दीजिए वाटर टैंक क्लीन हो गया। इतना करने के बाद आप यहाँ पे थैंक्स लिख के थैंकिंग लिख सकते हैं, थैंकिंग लास्ट में, थैंकिंग यू। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में योर्स ओबीडियंटली, ये याद रखिए कि योर्स ओबीडियंटली लिखा जाता है, ओबीडियंटली योर्स ओबीडियंटली, फिर यक्स वाई जेड लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप क्लास भी चाहे तो लिख सकते हैं, क्लास यक्स मतलब 10, और इधर क्या लिखे डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, आपके आपके कापी बहुत जगह रहता है तो जैसे ये पैसेज बताएं इस तरह आप बस ये पैराग्राफ याद रखिए ना, यहाँ पे बाएं साइड लास्ट में ये लिखा जाता है, ये पैराग्राफ लिखा जाता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आ जाए जो तरीका बताएं इस तरीका से आप लिख के चले जाइएगा, चले आइएगा। यदि चार नंबर के प्रश्न रहेगा टोटल चार का चार नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, बस ये पैराग्राफ आपका सही रहना चाहिए। बीच में जैसे बताएं लिखने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन आ जाता है, जो एप्लीकेशन रहेगा वही बीच में आप उसको सेम टू सेम उतार देंगे, चार नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तरीका था आपका लिखने का। फिर इसके बाद देखिए इस प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न के बाद आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है तीसरा प्रश्न, ये आप इसको आप एस्से समझिए, जिसे आप सो कहते हैं कि एस्से लिखना है, ये छः नंबर का आता है। तो ये आपको एक रिपोर्ट देता है, एक आर्टिकल देता है, तो रिपोर्ट आर्टिकल दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आपको मान लीजिए कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा आर्टिकल या रिपोर्ट आ गया जो आप पढ़ के नहीं गए नो याद है आपको, तो क्या करेंगे, पहले नंबर तो दिमाग में बैठा लीजिए किसी प्रश्न को छोड़ के आना नहीं है, तो करेंगे क्या आप उसके लिए, बहुत सिंपल सा होता है, आपको पहले ही से इस जो रिपोर्ट हो या आर्टिकल यहाँ पे हिंट्स दिया रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए हिंट्स दिया है, ये आपको हेडिंग बनाना रहेगा, या इसके अलावा रिपोर्ट लिखेंगे तो देखिए जैसे इंटरनेट के बारे में लिखना है तो ये शब्द सब लिखा है ना, यही आपका हेडिंग हो जाएगा। देखिए आप इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, देखिए आपको ओ आर वाला जो करना है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 ओ आर वाला करना है तो ओ आर, जैसे यहाँ पे देखिए आपको आर्टिकल करना है तो यहाँ पे आर्टिकल लिखिए, पहले नंबर आर्टिकल। अब किस पे लिखना है तो जो यहाँ पे कहेगा आपसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अब इंटरनेट पे लिखना है ना तो यही आपको क्या हो जाएगा कि इस पे आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एडवांटेज, जो यहाँ पे लिखा है प्रश्न में एडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ऑफ इंटर। ठीक है, इस तरह ये बन गया हेडिंग। अब देखिए यहाँ पे जो रहता है यही आप हेडिंग बना रहे थे, पहले नंबर तो आपका इसी से आपके मैक्सिमम लाइन भर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में चार और ये दिया है आपका ना,
वृत्त में, यही सब आप हेडिंग बना लीजिएगा। यहाँ पे आर्टिकल तो ये तो हो गया आपका, आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे चाहे तो हिंट्स लिख सकते हैं कि किस पे लिखना है, ये हिंट्स हो गया। अब देखिए हिंट्स जब लिखेंगे तो पहला आपका क्या है, बहुत सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल होता है, बिना पढ़े भी आप इन सबको बस सेम टू सेम इसी तरह उतारिए। देखिए कैसे उतारेंगे, चलिए यहाँ पे सोशल ऑनलाइन कोर्स, चलिए ऑनलाइन कोर्स पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग बना लेंगे यहाँ से इंटरनेट एडिक्शन, इंटरनेट ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को लाइन लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक तो आपका भर जाएगा इसी तरह, ठीक है। सेम टू सेम सिर्फ प्रश्न से ही आप इन सबको उतारें तो ये भर गया। अब देखिए आपको जैसे ही लिख लिए पहला हेडिंग आप बनाएंगे एक दो लाइन छोड़ के, ऑनलाइन कोर्स लिखें। अब इसके बारे में कुछ पते नहीं है कि आपको लिखना क्या है, तो कम से कम ये प्रश्न से तो आप इतना लिख सकते हैं, इतना लिख दिए। लिखने के बाद आप पहला हेडिंग बनाइए ऑनलाइन कोर्स, तो पहले नंबर जब इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप ऑनलाइन कोर्स जब हेडिंग डालेंगे तो इसे ही ऑनलाइन कोर्स लिखिएगा। ऑनलाइन कोर्स लिखने के बाद अब इसके आगे कुछ एक दो लाइन लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, फिर वही आप काम करेंगे, ये पैसेज जो आपके सामने रहेगा इसी पैसेज में से कहीं से बीच में एक दो लाइन उठाइएगा और उसको लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इम्प्रेस अस मोस्ट इट इज साइज एंड मैग्निफ, यहाँ पे आप क्या करेंगे इस पूरे लाइन को यहाँ पे सेम टू सेम उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नंबर जब भी आप लिखिएगा तो स्टार्टिंग की ये शब्द को यहाँ पे जरूर लिखिएगा, लिखने के बाद ही आप इसको उतारिएगा ना। तो वी क्या यहाँ पे लिखना है, तो व्हाट इम्प्रेस, यहाँ पे व्हाट, अब जो लाइन बताएं एक दो लाइन तीन लाइन लिखना जो रहेगा आप इस हेडिंग बना के इस पर आप सेम टू सेम जो बताए हैं इसको उतार दीजिएगा इसमें से एक दो लाइन। फिर अगला हेडिंग उसी प्रकार से इंटरनेट के बारे में इंटरनेट हेडिंग डालिएगा, ठीक है। इंटरनेट हेडिंग डालने के बाद इसी पैसेज में से, या आपको दो तीन पैसेज देता है किसी पैसेज में से आप उस लाइन के एक दो लाइन उतार के लिख दीजिएगा। फिर मतलब हर सबके साथ यही करना है, आपको एकदम 100% की गारंटी देते हैं फ्रेंड्स कि जैसे आप बता रहे हैं, यदि आपको नहीं याद है आर्टिकल तो आपको जैसे बताएं इसी तरह आप लिख के चले आइएगा। ये 6 नंबर का प्रश्न है तो 6 में 4 नंबर आपको कहीं नहीं गया, 4 नंबर पूरे का पूरा मिलेगा। बस आपका लिखने का तरीका बस सही होना चाहिए, जो तरीका आपको बता रहे हैं ये तरीका आपका सही होगा तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब आता है लिटरेचर, आपके बुक के जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत सिंपल होता है लिखना, उसको भी बस लिखने का तरीका आपको बता देते हैं। देखिए 5 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 वर्ड ईच, मतलब लिखना है। देखिए जैसे पहले प्रश्न का आंसर लिखना है तो पहले नंबर तो आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर तो आप सभी को डालने आ गया होगा ना, कि क्वेश्चन नंबर डालना है 3 का, मान लीजिए 1 करना है तो 3 का 1 कर लीजिएगा। अब देखिए लिखेंगे कैसे इसे, बस आप देखिए आपको पूरे नंबर मिलेगा इस प्रश्न पे। आपको क्या करना है, देखिए ये पूछ रहा है ना कि मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड डेट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। आप सेम टू सेम क्या कीजिएगा, इसमें तो क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द तो है नहीं, जब प्रश्नवाचक शब्द नहीं तो सेम टू सेम यही लाइन यहाँ पर उतारिएगा, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, मेंशन वेराइटीज। अब पूरे लाइन जैसे उतार लेंगे यहाँ तक, उतारने के बाद जैसे यहाँ गोवा तक उतार लीजिएगा, गोवा तक दिया है तो यहाँ तक मान लीजिए गोवा तक है तो गोवा उतार लीजिएगा। अब उतारने के बाद क्या करेंगे, आप देखिए जैसे पैसेज ये था, इसके अलावा आपको बहुत सारे पैसेज मिलते हैं, ठीक है। चलिए एक आध और पैसेज दिखा देते हैं जो आपका पैसेज रहता है, उसी पैसेज में से क्या कीजिएगा, बीच में से एक दो लाइन उठा के इसके आगे लिख दीजिएगा, ठीक। आपका ये 3 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर कहीं नहीं गया, 2 नंबर 1.5 नंबर आपको जरूर इस प्रश्न पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बिना पढ़े भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख के चले आ रहे हैं और आपको 3 नंबर के जगह पे 2 नंबर या 1.5 नंबर मिल जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको कापी लिखने का सही से तरीका जो होता है ना वो पता रहेगा तो आप आसानी से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से इस प्रश्न का भी लिखना रहेगा तो आपको जो तरीका बताएं सब प्रश्न का इसी प्रकार से आप लिखिएगा। देखिए आपके जितने भी प्रश्न हैं सब आपके बुक के प्रश्न रहते हैं, तो
एक क्वेश्चन बताएं, आपको उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। जैसे मान लीजिए बी वाला लिखना है तो हाउ डिड क्या है आपका प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हाउ डिड को छोड़ दीजिएगा और यहाँ से सेम टू सेम उतारिएगा। उतारने के बाद अब क्या करेंगे, वही पैराग्राफ्स एक दो लाइन चार लाइन लिखेंगे, उसमें सेम टू सेम पैराग्राफ में उतार देंगे। ठीक है, यदि आपका ये तीन नंबर का रहेगा तीन नंबर में आपको डेढ़ नंबर दो नंबर जरूर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो बस लिखने का तरीका, इन सभी प्रश्नों का आंसर जैसे समझाएं इसी प्रकार से आप बस हेडिंग डालिएगा ये और आप पैसे से उठा के उसको लिख दीजिएगा। जिस प्रश्न का आंसर याद होगा उसको तो सही से लिखना है, जिसका आंसर नहीं याद होगा तो जो तरीका आपको पता है इस तरीका से आप लिख के चले आइएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जो पार्ट ए में जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसको कैसे करेंगे, तो बहुविकल्पी प्रश्न जैसे पार्ट ए है, पार्ट ए में जो बहुविकल्पी प्रश्न रहता है यह भी आपका सिंपल होता है। आपको पैसेज देता है, पैसेज से संबंधित आपका प्रश्न पूछता है, तो आपको पैसेज से संबंधित जो प्रश्न होता है हल करने का तरीका आप बताएं, इस तरह ये पैसेज को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पैसेज के तो जो पैसे से संबंधित रहेगा आप शब्द को पकड़ के तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो चार है ये आपके पैसे से संबंधित नहीं प्रश्न रहता है, इन सभी प्रश्नों का आंसर कैसे देंगे। तो देखिए आप इसका जब प्रश्न का आंसर देना होगा तो जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहता है जहाँ पे आपको ऑल ऑफ द एबम नज़र आए तो आप आँख मुन के उस प्रश्न का आंसर लगा के चले जाइएगा, 100% आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके अलावा आप प्रश्न में आंसर नहीं समझ में आ रहा था सी वाला ऑप्शन आप करेक्ट करके चले आइए, आपका 100% सही हो जाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तो इस प्रकार से कीजिएगा। और एक चीज़ बता दें कि मल्टीपल चॉइस MCQ जो होता है आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका एक डेढ़ घंटे के बाद ही इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप तुरंत स्टार्टिंग में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मत कीजिए, कुछ समय के बाद ही उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ये बता जो आपको तरीका बताया ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।